हाय गाइस, आज हम सोचे थोड़ा पिकनिक कर ले। सो आई एम विद अयन सर और हम जा रहे हैं, नॉट येट डिसाइडेड डेस्टिनेशन, फिलहाल हम लोग प्लान कर रहे हैं। वी आर ऑन द चेरापुंजी रूट। आई हैव विद मी शाहीन, आई हैव विद मी दीपक, आई हैव विद मी प्रियंकी। ओके, और जैसे जैसे जाते जाएंगे ट्रिप का कुछ ना कुछ कवर होता रहेगा, बट एट दिस मोमेंट अगेंस्ट हम टूअर्ड्स चेरापुंजी रूट पे है। वी आर नियर द एयरफोर्स और ये लोकेशन जो है, ये इसमें ड्राइव करना इटसेल्फ इज़ अ सीनिक एक्सपीरियंस। सो जो लोग अभी तक शिलोंग आए नहीं है या नेवर विजिटेड मेघालय, प्रोबेबली इनके लिए ये थोड़ा अच्छा है, बिकॉज व्हेन यू आर बेसिकली आउट ऑफ शिलोंग, दीज प्लेसेज आर मोस्टली सीन इन रिजॉर्ट सॉर्ट ऑफ एरियाज, बट हमारे यहाँ तो ऐसे दिखता है। सो यू नो, इफ वी जस्ट गो टूवर्ड्स द राइट, ओके, we will actually go towards the another district, Nongstan district, ठीक है। अभी हम लोग लेफ्ट पे जा रहे हैं जहाँ पे यू आर मोर और लेस गोइंग टूवर्ड्स चेरापुंजी, डाउकी एंड सो ऑन। सो लेट्स सी क्या क्या कवर कर सकते हैं आज। सो एज यू ट्रेवल टूवर्ड्स चेरापुंजी फ्रॉम शिलोंग, ऐसे बीच में छोटे छोटे, यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ विलेज, आते रहते हैं और अंदर से काफ़ी फैला हुआ है। दिस इज एक्चुअली ऑन बोथ साइड ऑफ द हाईवे। रजिस्ट्रेशन है दीपक का एंड इट लुक्स ऑसम। सो आई थिंक वी ऑल आर लाइक अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कार। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऐसे गांव आपको दिखते रहेंगे बीच बीच में एंड देन बोथ साइड्स मज़ेदार एकदम। सो यू कैन सी दैट ये एक सीनिक ब्यूटी है। आगे में जो आपको पीला और काले में गाड़ी दिख रही है, ये शिलोंग के टैक्सीज होते हैं। हियर बेसिकली वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक ऊबर और समथिंग, बेसिकली यहाँ भी चलता है, हाँ टैक्सी स्ट्राइक वगैरह चलता रहता है। रिसेंटली स्ट्राइक ओवर हुआ है तो आजकल टैक्सीज फिर रस्ते में दिख रहे हैं, बट एनी वे दिस इज़ अ डिफरेंस एस्पेक्ट। तो आप सीन देख सकते हैं, दिस इज ऑल नेचर मोर और लेस। मेघालय इज सराउंडेड बाई हिली रीजन्स एंड जैसे मुंबई में फ्रियट चलता है, हमारे मेघालय में मारुति 800 का बहुत क्रेज है। सो अगर आपको अपनी गाड़ी सेल करनी है, यू कैन कम टू मेघालय एंड बेसिकली सेल इट ऑफ एट अ गुड प्राइस। मैं आपको ये एडवाइस दे सकता हूँ इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड मेघालय। सो यू नो, यहाँ से अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 hours ड्राइव करेंगे, 2 to 2.5 hours, तो वी विल रीच बांग्लादेश बॉर्डर। बेसिकली वी हैव अ प्लेस कॉल्ड डाउकी। ओके, सो वीडियो कवर करते करते हम गांव क्रॉस कर रहे हैं बिकॉज रनिंग एट एन 80 स्पीड। दिस इज़ मुल्लिम, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट विलेजेस इन मेघालय। तो काफ़ी लाइक अच्छे एरिया है, यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं जो बेसिकली गो एंड वर्क बैक इन शिलोंग। यहाँ पे जो गांव के लोग होते हैं, यहाँ पे खेती अच्छी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स एंड ऑल। सो यहाँ से बेसिकली लोग जाते हैं वहाँ शिलोंग में जाके, दे सेल इट ऑफ एंड देन कम बैक। कंपेयर टू अदर स्टेट्स शिलोंग प्राइसेज आर अ बिट हाई, बट स्टिल अगर यहाँ से जाते हैं और रस्ते में बेचते हैं तो द प्राइसेज आर विद इन रेंज। सो दिस इज़ मिल्लिम, वी हैव, इट्स अ बिग विलेज एक्चुअली, काफ़ी बड़ा है ये। हम तो जस्ट मेन रोड के अगल बगल में है, अंदर से काफ़ी बड़ा जाता है। वी डू हैव द सिस्टम ऑफ हैविंग लोकल विलेज हेडमैन एंड इफ़ यू आर सपोज टू डू एनीथिंग ऑफिशियल इन दिस रीजन, यू बेसिकली हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम हिम। तो ये है यहाँ पे, तो काफ़ी पुराना सिस्टम है। सो यू कैन सी कभी कभी कुछ कुछ जगह में ऐसे फील आएगी जैसे एज इफ आगे जाकर रास्ता ख़त्म हो जाता है, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे पहाड़ काट के घर बनाने का काफ़ी ट्रेडिशन है बिकॉज प्लेन एरियाज में मोर और लेस स्पेस काफ़ी कम है।
about something. So देख सकते हैं यहाँ पे रंगेन विलेज. ओके सो प्रोबेबली दिस इज द रूट टूवर्ड्स द विलेज बट देन द सीन इज गुड. ये देख सकते हैं ये मस्त लग रहा है बांग्लादेश गेट. और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा झंडा. वो यार द लोकेशन विच इज़ कॉल्ड तामाबिल डाउकी बॉर्डर. शिलोंग से अराउंड 2 घंटे की रास्ता है. देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू बांग्लादेश तामाबिल लैंड कस्टम स्टेशन. और ये बांग्लादेश का फ्लैग आज थोड़ा झुका हुआ है. प्रोबेबली देर मोर्निंग फॉर समवंस डेथ. सो यहाँ पे बेसिकली फोटोग्राफ्स ले सकते हैं. द बिल्डिंग ऑन द अदर साइड इज़ एक्चुअली बांग्लादेश. ओके और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी हवा कम है तो इसीलिए फ्लैग नहीं लहरा रहा. मेरा एक बहुत अच्छा फोटो है यहाँ पे एंड दिस इज़ लाइक इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. और ये हम हमारे BSF के लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस. सो हम सब आए हैं बेसिकली यहाँ पे ऐसे ही घूमते फिरते पहुँच गए. एंड देन यू कैन सी ये पूरा प्लेन एरिया है. हम पूरा पहाड़ी इलाके से उतर के इस साइड आए हैं. इस साइड से बेसिकली पत्थर वगैरह पार किया जाता है बिकॉज पत्थर बहुत कम होता है बांग्लादेश में बिल्डिंग वगैरह के लिए. तो होता है बेसिकली. यू कैन सी वेलकम टू बांग्लादेश यहाँ पे लिखा हुआ है. और उसके पीछे लिखा हुआ बांग्लादेश. हाँ अच्छा तो अभी हम लोग हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे. और ये बांग्लादेश में रहता है. अपना भाषा कौन है सामने अपना नाम क्या शायक अहमद. अच्छा शायक अहमद से हम मिले हैं अभी बांग्लादेश बॉर्डर पे. ये मेरे वीडियो पे जाएगा. यूट्यूब देखो नहीं यूट्यूब देखी मजे मजे. अच्छा तो पहले ही वीडियो भेजवा. यूट्यूब वीडियो बनाए ठीक है सर. फाइन थैंक यू. तो हम लोग खाए हैं ये खीरा 10 रुपए का. ये आचार है बांग्लादेशी आचार. और क्या लिया इम्पोर्टेड आचार. और ये स्टार फ्रूट लिया है शाहिन ने. खाए कि नहीं वो ये कीड़ा है. वो स्टार बना दिया है. वो स्टार बना दिया है. अब मैं खा के जिंदा हूँ. खा के जिंदा है. आप खाइए. खाएंगे काफी. इस वक्त हम बांग्लादेश के बॉर्डर में हैं और काफी हैपनिंग है. बेसिकली टूरिस्ट थोड़े कम है अभी बिकॉज ऑफ दिस कोविड रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल. और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बांग्लादेश के सब एक्साइटेड हैं एंड दे आर सपोज जस्ट हैविंग अ लुक टूवर्ड्स इंडिया. और लेकिन इंडिया की तरफ उतना एक्साइटमेंट नहीं है बिकॉज मेघालय की तरफ काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है अभी. तो पीछे मेरा फ्लैग लहराते हुआ देख सकते हैं हमारे देश का. सो वी लीव नाउ बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू गो ऑन द अदर साइड. इट्स काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड. और मेरे पीछे आप देख सकते हैं आता हूँ. यू कैन सी दिस इज़ द बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स. ओके एंड देन हियर वी हैव द BSF एंड इट्स इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप गेट. सो देख सकते हैं वेलकम टू इंडिया इमिग्रेशन ऑफिस डाउकी 50 मीटर्स अहेड. ओके सो आप लोगों ने काफ़ी बार मेघालय की तारीफ में एक रिवर देखा होगा जहाँ पे द वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट राइट मोर लेस. नीचे का ग्राउंड पूरा दिखाई देता है. दिस इज़ वन ऑफ द लोकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर. इतने दूर से तो समझ में नहीं आ रहा है बट सामने आएंगे तो शायद दिखेगा. द प्लेन एरिया दैट यू कैन सी ऑन द फार एंड इज़ बांग्लादेश. और ये बेसिकली नदी है जो इट लाइज इन इंडिया ना. ओके और ये क्या होता है यहाँ पे लाइक बोटिंग कर सकते हैं आप बट इट्स क्वाइट कॉस्टली. आई एम यूजअली नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ वाटर सो मैं जाता नहीं हूँ यूजअली. कभी गया नहीं आज तक. ऑन द अदर साइड ऑल्सो यू कैन सी द कार्स आर पार्क्ड. इट्स ऑल इन इंडिया. वी आर ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द सेम रूट. तो ये है. ओके आप इन्जॉय करना चाहो कर सकते हो. इट्स नॉट दैट डीप ये नदी जो है. यू कैन सी द बोट्स मूविंग. सीधा रोड्स आर क्वाइट नैरो. दो गाड़ियाँ जाती तो है बट देन इट टेक्स सम टाइम टू क्रॉस. धीरे धीरे क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है. रैप अप वीडियो है. वी हैव जस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द ट्रिप. इट वाज अ गुड पार्टी काइंड ऑफ शॉर्टकट ट्रिप. एक दिन में जितना वापस आए. प्रिया की हाय बोल रही है सब बोल दीजिएगा. दीपक आया. दीपक के चश्मे सफ़ेद हो गए मतलब
हो चुकी है और मैं और सर टोपी लगा के जा रहे हैं। इट्स लाइक हमारा पिकनिक वाला मूड का फोटो होता है। सो दिस इज़ अ रैप फॉर टुडेज अ स्मॉल ट्रिप यू कैन से, नॉट एग्जैक्टली पिकनिक बट आई थिंक बॉर्डर एरिया काफ़ी था।